इस बॉक्स के अंदर जो हमें मिलता है वो है एक स्पीकर, चार्जिंग केबल, ऑक्सिलरी केबल एंड क्विक स्टार्ट गाइड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा है, जो है पॉकेट ब्लास्ट रेडियो फ्रॉम एमकैट। ट्रूटेक रिपोर्टर में आज आपका अपना रिपोर्टर जो आज आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूं दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। ये है एमकैट का पॉकेट ब्लास्ट। ये जो स्पीकर है 6 वॉट का पावरफुल साउंड हमें देता है। इसके अंदर एक FM रेडियो भी है जो रिकॉर्डिंग फीचर के साथ इनेबल्ड है। सो दिस इज समथिंग यूनिक एंड ऑसम। एमकैट इसके लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए क्लेम करता है और इसके अंदर ऑक्सिलरी SD कार्ड एंड USB सभी का सपोर्ट अवेलेबल है। जो इसका फ्रंट लुक है प्रोडक्ट का, पैकिंग का, वो कुछ इस तरीके से है। साइड में यदि हम देखें तो कुछ और फर्दर इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। यदि हम इसे बैक में देखें तो हमें दिखता है ये स्मॉल साइज पॉकेट रेडियो है लेकिन विद अ बिग साउंड। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे इसका प्राइस अवेलेबल है। जो इसका प्राइस लिखा हुआ है वो है 2999। ये फिलहाल 1499 में अवेलेबल है और यहाँ पे इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें 1 साल की हमें वारंटी देखने को मिलती है। इस बॉक्स के अंदर जो हमें मिलता है वो है एक स्पीकर, चार्जिंग केबल, ऑक्सिलरी केबल एंड क्विक स्टार्ट गाइड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा है, जो है पॉकेट ब्लास्ट रेडियो फ्रॉम एमकैट। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं कुछ यहां से इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है। चलिए हम इसे इसके लीफ से निकालते हैं और अंदर ये है हमारी स्टैंडर्ड एमकैट की ब्रांडिंग। हम इसको ओपन करते हैं फर्दर यहां से और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट अंदर से कैसा है पैकिंग के अंदर। तो जब हमने इसे ओपन किया, लाइक अ स्टैंडर्ड एमकैट प्रोडक्ट्स, सबसे पहले इसका एक यूजर मैनुअल है, बहुत ही छोटा बट एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स आर देयर इन इट। हम इसे साइड में रखेंगे और देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसा है। एक बबल रैप के अंदर है यहाँ पे और ये है हमारा प्रोडक्ट जो है वो है एमकैट का पावरफुल ब्लास्ट रेडियो। इसके जितने भी बटन है वो ऑन द टॉप है। ये सारे जो बटन है बैकलिट बटन है, जो आप देख रहे हैं ये लैनयार्ड है, लेकिन लैनयार्ड के साथ साथ ये एंटीना का भी काम करता है और इसमें एक्सटर्नल एंटीना की जरूरत नहीं है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, ये एक्चुअली इनबिल्ट एंटीना क्रम है लैनयार्ड इसके अंदर है। इसके साथ हमें इसकी कुछ एसेसरीज मिलती है और एसेसरीज के अंदर हमें मिलता है 3.5 mm जैक की एक केबल है, ये देखिए यहाँ पे। और हमें जो मिलता है इसका टाइप सी, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, हमें इसका ना टाइप सी चार्जर मिलता है। तो ये ओवरऑल इसके साथ हमें मिलता है प्रोडक्ट के साथ। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और इसका ऑपरेटिंग मैनुअल समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा ये प्रोडक्ट है। हम नीचे के साइड देखें तो हमें स्पॉन्ज पैड मिलते हैं फॉर इट्स बेस, जहां पे आप इसे रख सकते हैं। जहां तक पीछे का सवाल है, हमें इसमें मिलता है ऑन एंड ऑफ बटन, ये है सबसे पहला बटन। और दूसरा यदि आप यहां देखें तो ये टाइप सी DC 3 वोल्ट का इनपुट है। फिर उसके बाद हमें मिलता है USB, फिर मिलता है हमें TF कार्ड के लिए एंड ऑक्सिलरी केबल 3.5 mm जैक। तो दोस्तों मैं इसके एक बार आपको ये जितने भी बटन से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो आप ये देख रहे हैं 1 से लेकर 0 तक के नंबरिंग, ये है इसके प्रीसेट चैनल जब इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं FM रेडियो के, तो उनको चेंज करने के लिए। इवन इनका इस्तेमाल आप अपने सॉन्ग्स पे भी डायरेक्टली जाने के लिए कर सकते हैं। फिर यदि आप देखें तो यहाँ पे इसकी कॉल पिक करने के लिए या प्ले और पॉज के लिए है। ये जो है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड का बटन है और ये यदि आप देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए बैक के लिए भी बटन है। फिर हमें एक रिकॉर्ड के लिए मिलता है, एक मिलता है हमें डिलीट के लिए बटन और जो फाइनली है हमारा मोड का बटन है। तो चलिए हम मोड का बटन प्रेस करते हैं। तो ये हमारा FM रेडियो चल गया है। FM रेडियो को इंस्टॉल करने के लिए, प्रीसेट करने के लिए इसके चैनल्स, आपको यहाँ पे जाना है और जो इसका प्ले और पॉज का बटन है, ये जो सेकंड बटन है, इसको प्रेस करना है 30 सेकंड्स के लिए और ये अपना आप इसकी प्री इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। वाओ व्हाट अ साउंड। तो जब आपने P1 देखा था तो P1 जो है उसका पहला चैनल था, P2 सेकंड। तो जब भी आपको कोई प्री इंस्टॉल्ड चैनल हो, वो चेंज करना हो, तो आप बस के नंबर दबा दीजिए। ये देखिए ये चैनल चेंज हो चुका है। पिछले 3 साल में अगर ये
ये जो आपने देखा दोस्तों, ये था इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो था 30 वॉल्यूम पे। और जहां तक सवाल है इसके वॉल्यूम का, मैं इसे 10 out of 10 दूंगा। ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है गिवन द वॉल्यूम एंड द प्राइस दैट आई हैव स्पेंट ऑन इट। आई थिंक इट जस्टिफाइज द मनी एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। चलिए हम दोबारा से इसका मोड का बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फीचर इसमें क्या है। ब्लूटूथ। तो इनवेरिएबली इसमें दो ही मेन फीचर्स अवेलेबल हैं जो है ब्लूटूथ एंड एफएम। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इसका ओवरऑल लुक है वो काफी कॉम्पैक्ट है और काफी अच्छा है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप ये जो गाने चल रहे हैं इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप किसी की वॉइस पे इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इस स्पीकर को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद योर ओन फोन और आप एज अ कॉन्फ्रेंस कॉल स्पीकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफी पावरफुल और काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इस प्रोडक्ट को गिवन द प्राइस एंड ऑल्सो गिवन द फीचर्स सर्टनली इसे 8 marks दूंगा और एक बहुत बड़ा थम्स अप दूंगा कि एमकैट ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। जो मैंने इसके 2 marks काटे हैं वो बेसिकली इसीलिए काटे हैं बिकॉज गिवन दिस प्राइस आज के डेट में जो स्पीकर्स हमें अवेलेबल हैं उनके अंदर IPX जो है वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस रेटिंग अवेलेबल होती है जो इसमें नहीं है। सिर्फ उसी कारण को देखते हुए मैंने इसके प्राइस काटे हैं। अदरवाइज FM रिसेप्शन, जहां तक सवाल है इसके लाउडनेस का, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑसम प्रोडक्ट। दोस्तों हम ट्रू टेक रिपोर्टर में कोशिश करते हैं कि आपको ऑनेस्ट टेक रिपोर्टिंग दी जाए और आपका एवरी वैल्यू फॉर मनी बिफोर यू स्पेंड यू कम हियर सी इफ इट इज वर्थ और नॉट, वो देने की आपको कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये हमारी ट्रू टेक रिपोर्टिंग पसंद आ रही होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज आपका अपना रिपोर्टर एक और प्रोडक्ट लेके जल्दी ही आपके साथ।